नमस्कार, श्राधा सरस्विहारिणी नमः। जागते रहिए, जमाने को जगाते रहिए, मेरी आवाज में आवाज मिलाते रहिए। महाराजा अग्रसेन टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी की ओर से मैं नम्रता शर्मा आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। महाराजा अग्रसेन टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर नंद किशोर गर्ग का संदेश लेकर आज मैं पुनः उपस्थित हूँ आप सभी के सामने। कोरोना 19 महामारी से जूझ रहे भारत और संपूर्ण विश्व को आज आवश्यकता है आपकी मानवता की, आपके सुंदर संस्कारों की, आपके सहृदय मंगल कामना की। इस संकट से जूझना किसी युद्ध से कम नहीं है। भारत सरकार अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रही है, लेकिन देश के सच्चे नागरिक होने के नाते हम सभी का कर्तव्य है कि देश की जरूरतमंद जनता को सहयोग देने के लिए हम सभी दिल खोल करके सामने आए। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री ने कोरोना रिलीफ फंड की स्थापना की, जिसमें हम व्यक्तिगत तौर पे या सामूहिक तौर पे अधिक से अधिक योगदान दे सकते हैं। महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज और महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश प्रतिबद्ध है देश सेवा के लिए, समर्पित है मानव कल्याण के लिए और तत्पर है प्रधानमंत्री के आह्वान का पालन करने के लिए। महाराजा अग्रसेन टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी के अंतर्गत आने वाली संस्थाओं के फैकल्टी और स्टाफ मेंबर्स से डॉक्टर नंद किशोर गर्ग ने अपील की है कि वे कम से कम अपने एक दिन की सैलरी कोविड रिलीफ फंड के लिए डोनेट करें। उन्होंने विद्यार्थियों से भी अपील की कि वे जितना आसानी से हो सके उतना डोनेशन दें। महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के निदेशक प्रोफेसर नीलम शर्मा ने अपने स्टाफ मेंबर्स और फैकल्टी मेंबर्स को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया है। उन्होंने स्टूडेंट से भी अपील की है कि कॉलेज में जो उनका सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट होता है उसमें से वे कोविड रिलीफ फंड के लिए अपना योगदान दे सकते हैं और इस बाबत वे कॉलेज प्रशासन को अपने अपने काउंसलर के माध्यम से अवगत करा सकते हैं। महाराजा अग्रसेन टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी के सभी ट्रस्टियों ने अधिक से अधिक योगदान देने की बात की है। आज मन की बात में कोरोना से ठीक हुए मरीजों से बात करते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी ने उनके अनुभवों को पूरे देश से साझा कर देशवासियों का मनोबल बढ़ाया। हमारे प्रधानमंत्री ने आज बहुत ही सुंदर सूक्त दिया, सोशल डिस्टेंस बढ़ाना है, इमोशन डिस्टेंस घटाना है। सोशल डिस्टेंसिंग को कायम रखते हुए सोशल इंटरेक्शन को जारी रखना है। ये समय है रिश्तों को तरोताज़ा करने का, ये समय है रिश्तों में नई जान डालने का, ये समय है अपने वैर भाव भुलाकर रिश्तों को रफू करने का। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने फिलोसॉफिकल थॉट देते हुए कहा कि बाहर नहीं जाना है, भीतर जाना है, अपने आप को खोजना है। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ। अपने अंतर मनन कर अस्तित्व की वजह को तलाशनी है। दोस्तों, ये मन प्रसन्न तभी होता है जब हमारे घर में, हमारे आसपास, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त, हमारे जानने वाले सभी स्वस्थ और खुश रहते हैं। तो और पूरा मेट्स परिवार प्रधानमंत्री की इस बात से सरोकार रखता है। आइए हम निस्वार्थ भाव से सेवा में लगे चिकित्सकों, नर्सों और मेडिकल स्टाफ को सलाम करें और ये धन्यवाद देने का वक्त है हमारे डेली लाइफ हीरोज को, जिनकी वजह से हमें बिजली और पानी की आपूर्ति होने हो पा रही है, और सफाई कर्मचारियों, ड्राइवर्स, वर्कर्स, किराना की दुकान में काम कर रहे हमारे भाई लोगों, बैंकिंग सेवाओं, डिजिटल सेवाओं, ई कॉमर्स, फ़ोन, इंटरनेट, टीवी, रेडियो से जुड़े हुए वो तमाम लोग जिनकी वजह से हमारे सभी कार्य सुचारू रूप से चल पा रहे हैं, वे सभी धन्यवाद के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं। आइए हम सभी उनके लिए मंगल कामना करें। देश की गरीब जनता की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो लोग तन मन धन से आगे आ रहे हैं उन सभी को कोटि कोटि नमन। हम अपील करते हैं देश के समर्थ और समृद्ध लोगों से कि वे प्रधानमंत्री कोरोना रिलीफ फंड में अधिक से अधिक आर्थिक योगदान दें। आपके इस योगदान के बीज के बदले वसुधा, प्रसन्नता, खुशहाली और स्वास्थ्य जैसे अमूल्य रत्नों को उगलेगी। सुमित्रा नंदन पंत के शब्दों में, रत्न प्रसवनी है वसुधा, अब समझ सका हूँ।
इसमें सच्ची समता के दाने बोने हैं, इसमें जन की क्षमता के दाने बोने हैं, इसमें मानव ममता के दाने बोने हैं, जिससे उगल सके फिर धूल सुनहली फसलें मानवता की। जीवन श्रम से हंसे दिशाएं, हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। इस सुंदर विचार के साथ मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ, आप सभी का अभिनंदन करती हूँ, धन्यवाद।